यही तो प्रॉब्लम है विराट, कि जब भी मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ ना, तुम इग्नोर कर देती हो। कब तक विराट, और कब तक इग्नोर करोगे तुम मुझे, बताओ कब तक करोगे? अरे अगर इग्नोर करना चाहता तो मैं आता यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा किस बात को लेकर तुम इतना गुस्सा हो। सब जानते हो कि मैं किस बात पर गुस्सा हूँ और मुझे किस बात का बुरा लग रहा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कभी कोई और लड़की नहीं आएगी। यही बोल के तुमने मेरी शादी अपने भाई से करवाई थी ना? वादा मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। बोलो विराट, बोलो, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? क्या तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा? क्या मुझे उस बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या तुमने नहीं कहा था? हाँ, कहा था मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे। सब ठीक है? सही, कोई चोट लगी? क्या बात है सही, तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? वो नीचे आप लोग का सब इंतजार कर रहे थे, इसलिए आपको बुलाने आ गई। तुम इसे बुलाने आई थी, इस पे नजर रखने। क्या? मैं उस पर नजर नहीं रखती पाखी दीदी, जिस पे पहले ही किसी और की नजर हो। ये तुम क्या कह रही हो? सही, पाखी दीदी, विराट सर ना बहुत अच्छे इंसान है, ये कभी भी अपना कोई वादा नहीं तोड़ते, और इस बात का सबूत ना आपकी आंखों के सामने खड़ा है। मैं विराट सर ने मेरे आवास से एक वादा किया था, मेरी जिम्मेदारी उठाने का, जो ये अभी तक उठा रहे हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अगर इन्होंने आपसे कोई वादा किया है तो ये जरूर पूरा करेंगे, उसे जरूर निभाएंगे। सही, एक मिनट, क्या मैं जान सकता हूं तुमने क्या सुना है, कितना सुना है? क्योंकि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो हुई थी विराट सर, लेकिन अब ना मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। और एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ नहीं पता चला है जो मुझे पहले नहीं पता था। हाँ, भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब भूल जाने से सच थोड़ी बदल जाता है। क्या सच? जैसे ये सच नहीं बदलेगा कि आपके ठीक होते मैं घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तब आप विराट सर को अपने पास रख सकती हैं। सही, मुझे बस इतना बताओ कि तुमने कितना सुना है, क्योंकि तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम गलत सोच रही हो, गलत समझ रही हो। नहीं विराट सर, मेरा यकीन करिए, अब मैं सब एकदम सही समझ रही हूँ। तुम प्लीज यहाँ आओ, प्लीज यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, कम। नहीं विराट सर, आपको मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, नीचे घर वालों के लिए कोई बहाना ढूंढ लीजिएगा, सोच लीजिएगा, क्योंकि वो जरूर जानना चाहेंगे, पूछेंगे कि हम तीनों को बाहर इतना वक्त कैसे लग गया।
नीचे सब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं केक कटिंग के। आइए प्लीज। मिल गई खुशी, कर दिया पूरा फंक्शन खराब। यही चाहती थी ना तुम? पता नहीं सई ने क्या सुना होगा, क्या सोच रही होगी वो। तुम इसमें इतना सोच क्या रहे हो विराट? सई ने हमेशा की तरह आज भी तुम्हें गलत ही समझा होगा। उसे तो यही लग रहा होगा कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। जैसा तुम्हें लगता है। बाकी अभी जो मैं बोलने वाला हूं उसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम अपने गुजरे हुए कल के बारे में कभी ना बात करें। तुम ये मुझे क्यों समझा रहे? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना, मैं तो चुपचाप आ गई थी यहाँ, तुम ही आए थे ना मुझे यहाँ बुलाने। एक्चुअली या यू आर राइट, गलती मेरी है, मैं ही तो तुम्हें बुलाने आया था, उसी की सजा मिली है मुझे आज। और अगर गलती तुम्हारी है तो तुम मुझसे जरूरली बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो नहीं कहा था ना तुम्हें यहाँ मेरे पीछे आने को। हमेशा मुझे उन गलतियों की सजा क्यों दी जाती जो मैंने कभी की ही नहीं है? लेकिन सजा आज मुझे मिली है। ना मैं यहाँ आता, ना सही वो सब सुनती। जो बात ये नहीं है कि सही ने क्या सुना, बात यह है कि सई ने क्या कहा। उसने कहा कि वो ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। और ये बात मैं तुम्हें कई बार आगाह कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें तो अब यही लग रहा होगा ना कि सई ये घर छोड़कर सिर्फ इसीलिए जाएगी क्योंकि उसने हमारी बातें सुन ली। नहीं विराट, सई के इस घर से जाने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हमदर्दी, प्यार, जज्बात, कुछ नहीं। तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो, उसके लिए क्या सोचते हो, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मुझे। मैं नहीं जानता कि सही मेरे लिए क्या महसूस करती है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो एक बहुत ही अच्छी और नेक इंसान है। हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में पहले सोचती है, इसलिए मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूं और हमेशा करूंगा। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात, कोई फीलिंग्स ना भी हो, तब भी मैं कभी भी जानबूझकर उसे इस बात का एहसास नहीं कराऊंगा, उसे ये सवाल नहीं पूछूंगा, जलील नहीं करूंगा, शर्मिंदा नहीं करूंगा जैसे तुम कर रही हो। आज मेरी भांजी का जन्मदिन है और तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आया था। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम आना चाहो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? छोड़ी विराट सर, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी हो रहा है सही। तुम्हारे इस बर्ताव से मेरे बारे में कोई भी राय बनाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। सही, मुझे इतना बता दो कि तुमने आखिर सुना क्या है,
क्योंकि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने जो कुछ भी सुना है और जो तुम सोच रही हो वो गलत है। आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रही हूँ और आपको मुझे सफाई देने की जरूरत ही क्या है? कैसे बताऊं तुम्हें अपना हाल दिल, मेरी मोहब्बत है बस मेरा राज दिल, सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे, जान लो बस जो है दिल में हमारे, गुम है किसी के प्यार में। मैं जानती हूँ फिराद सर, आपने पाखी दीदी से एक वादा किया था और आपको अपना वो वादा जरूर निभाना चाहिए। मैंने जो सवाल तुमसे पूछा है सही, उसका जवाब तो सही। प्लीज, तुम्हारे मन में ऐसा तो क्या चल रहा है जो तुम इतनी नाराज हो मुझसे? और तो और, मुझे भी नहीं बता रही। मैं खुद नहीं जानती मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। ये सारी बातें तो मुझे पहले से पता थी, फिर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है फिराद सर? तुम्हें कैसे बताऊं सही, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मेरे लिए अगर अब कुछ मायने रखता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मैं सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा सही। सही? अरे रियली? सही? कुठे गेली? ए!